सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का पहला स्ट्रक्चर है हाउ लॉन्ग। ये क्वेश्चन का है हाउ लॉन्ग प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स। इससे हम जानते हैं कि जो ये काम हो रहा है ये कब से हो रहा है, मतलब कब से होता है। तो ये उसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है और ये आंसर है। आंसर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिनस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम। जो सिनस है ये हमें स्टैंड करता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और जो फॉर है ये स्टैंड करता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम पहले क्वेश्चन का ये क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हाउ लॉन्ग है यू बीन रीडिंग दिस नॉवल। तो आंसर पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे How long have you been? तो ये जो है बीन मैंने इसलिए ये रीडिंग मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बिफोर है रीडिंग दिस नॉवल। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें आंसर इसी का लिखना है, वो हम इस स्ट्रक्चर में उठाएंगे। तो आंसर इसका होगा आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल। सिनस भी आएगा वहां भी, जो स्टार है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखाता है जिसमें नंबर्स आते हैं। जैसे सिनस 5 मिनट सिनस 10 मिनट सिनस 2 मिनट, इसलिए हम सिनस का यहाँ पे लाएंगे सिनस 3 मिनट मॉर्निंग। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा हैव यू बीन वाटरिंग द प्लांट्स। How long since 3 a.m. have you been watering the plants? Since 3 a.m. Go here. Since 3 a.m. तो हम इस वाले का आंसर लिखेंगे आई हैव बीन वॉचिंग द प्लांट्स फॉर ये हो गया दूसरे वाले का आंसर। हम तीसरा वाला क्वेश्चन लिखेंगे रीडिंग द होली कुरान। तो ये हो गया क्वेश्चन, हमें इसका भी आंसर लिखना है। आई हैव बीन I have reading the
सिंस मॉर्निंग थ्री फॉर थ्री आवर्स सिंस मॉर्निंग वो भी आएगा ना फॉर थ्री आवर्स भी आएगा सिंस में मुझे लगता है तो जो ये सिंस और फॉर है इसमें इन दोनों में जो उर्दू की मीनिंग है वो दोनों की सेम है और जो कुछ वर्ड्स हैं उनमें सिंस लगता है और कुछ वर्ड्स हैं जिनमें फॉर लगता है और अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन हाउ लॉन्ग हैव यू long you have been playing the chess तो अब हमें इसका आंसर भी लिखना है तो आंसर होगा I have been playing the chess दा नहीं आएगा सिर्फ प्लेइंग चेस आएगा I have been playing chess for 1 hour. तो ये हो गया आज का स्ट्रक्चर जिसमें हमने देखा कि कोई काम कब से हो रहा है और ये स्ट्रक्चर है मैं फिर से रिपीट करूंगा How long plus have plus subject plus been plus before plus other words. आई आंसर का भी स्ट्रक्चर में रिपीट करूंगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस प्लस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम ऑल ऑफ अस